বাড়ির বাইরে কুরবানি দেওয়া যাবে না, বাড়ির ভিতরে কুরবানি দেওয়া যাবে না, তাহলে কি হেলিকপ্টারে করে আসমানে গিয়ে কুরবানি দিতে হবে? 100 ফুট মাটির গভীরে নেমে কুরবানি দিতে হবে না জঙ্গলে গিয়ে কুরবানি দিতে হবে? ফরমান জারি হয়েছে, আপনাদেরকে পুরো বিষয়টা আমি দেখাবো। সামনে কুরবানি, গোরক্ষক বাহিনী অ্যাক্টিভ হয়েছে, সরকার অ্যাক্টিভ হয়েছে। আপনারা নিশ্চয় জানেন সারা বছর গরুর মাংস গিলছে, খাসির মাংস গিলছে, মুরগির মাংস গিলছে, আর কুরবানি যখন আসে কিছু মানুষের পশুপ্রেম জেগে ওঠে যে আমরা পশুপ্রেমী, পশু কেন হত্যা করা হবে? অথচ ওই মানুষগুলোই সারা বছর মাংস খাচ্ছে। সামনে কুরবানি, তাই হিন্দু মুসলমান তো করতেই হবে, কারণ এই সরকার হিন্দু মুসলমান করে ক্ষমতায় এসেছে। তাই যদি হিন্দুকে আলাদা না করা যায়, যদি মুসলমানকে আলাদা না করা যায়, তাহলে তো ভোট পাওয়া যাবে। তাই তাদের যে এজেন্ডা, তারা কুরবানি আসার সাথে সাথে ফরমান জারি করেছে। চলুন ভিডিও দেখুন। দোস্তো নমস্কার, মেরা নাম রবিকান্ত ভারতী হ্যাঁ। बकरा ईद का त्यौहार सामने है, पहले मेरा पोस्ट देखिए जो मैं 19 मार्च होली के दिन किया था, और ये फेसबुक पे मेरा पोस्ट था। इसमें मैंने लिखा है कि बकरे आज भी कम नहीं कट रहे और बकरे कल भी कटते हैं। तो आप जो है, त्यौहार का दिन है, खाओ और खिलाओ, लेकिन जब दूसरे का त्यौहार आए तो विधवा विलाप और रोना धोना शुरू मत कर देना। मैं इशारा किया था बकरीद के तरफ, क्योंकि जब बकरीद आती है तो गोबर भक्त, अंध भक्त और नफरत बाजों को एनिमल लाइफ मैटर्स याद आने लगता है। आइए बात करते हैं बकरा ईद पे। बकरा ईद पे अंध भक्त और गोबर भक्तों का रोना धोना और विधवा विलाप तो अभी बाकी है। केंद्र सरकार का क्या निर्देश आया है, जरा हम इसे जानते हैं। केंद्र सरकार का निर्देश आया है कि इस बार कुर्बानी न घर में होगी और न बाहर होगी। बाहर नहीं होगी क्योंकि मान लीजिए हिंदू के एरिया में अगर मुसलमान रहता है और ओपन प्लेस पे बकरे को कुर्बानी करेगा, हो सकता है झगड़े हो सकते हैं। लेकिन घर में भी नहीं होगी, यह बात तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि घर में क्यों नहीं होगी। घर में आप कल को बोलेंगे खाना भी नहीं बनाओ, खाना बनाने के लिए सरकार से दिखा के खाना बनाओ, एक क्या बात हुई? भोजन प्रिपेयर करना किसी को हक है? और होली के दिन मैं देखा हूं कि मुर्गे को लाके हिंदू अपने घर में उसको काटते हैं और उसको बनाते हैं, तो उस वक्त क्यों नहीं कोई इस तरह की पाबंदी आई? लेकिन आज जो है मुसलमानों का त्योहार बकरीद आ रहा है, तो केंद्र सरकार के द्वारा ऐसी जो है इस पे बैन है कि आप घर में और बाहर कुर्बानी नहीं कर सकते। अब करेंगे कहां? आप जाके बूचड़ खाने में कर सकते हैं। और उत्तर प्रदेश में तो देखा जाए बूचड़ खाने कितने, आप सभी को पता है बूचड़ खाने ऑलरेडी बहुत सारे बंद हो चुके हैं। तो उद्देश्य क्या है सरकार का? सरकार का उद्देश्य समझिए, सरकार का सिर्फ एक उद्देश्य है कि इस देश में मेजोरिटी लोगों के वोट को पाने के लिए, उनके अपीजमेंट के लिए माइनॉरिटी जो मुसलमान है, मुसलमानों के ऊपर हमेशा जो है जुल्म ढाए जाएंगे, हमेशा उनको सताया जाएगा। आप बताइए, हमारा जो होली का त्यौहार है, अगर उसमें कोई कहे कि आपको रंग और अबीर नहीं लगाना है और आपको होली मनाना है, तो हम बिना रंग और अबीर की होली कैसे मनाएंगे? तो सीधे तौर पे कह देना चाहिए कि बकरीद मत मनाओ, आप कुर्बानी ना घर में करेंगे ना बाहर करेंगे तो कुर्बानी होगी ही नहीं, तो बकरा ईद और कुर्बानी का त्यौहार मनेगा कैसे? आप दिवाली के दिन कह दीजिए कि आपको दीप नहीं जलाना है, और दीप नहीं जलाना है कह दीजिए तो जब, और दिवाली मनाइए, एक कैसी बातें हो गई? ये बात जो है मुझे बहुत समझ में आता है। देखिए, पहले हुआ नमाज कि नमाज नहीं पढ़ने देंगे खुले में, अब खुले में नमाज के बाद जब मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ते थे तो आए दिन किसी न किसी मस्जिद को शहीद करना या किसी मस्जिद में शिवलिंग बता देना कि इसमें शिवलिंग है, मतलब आप समझिए एक भेड़िया था, उसके सामने एक भेड़ का बच्चा पड़ गया, तो भेड़ के बच्चे को भेड़िए ने कहा मैं तुझे खाऊंगा, तूने पिछले साल मुझको गाली दिया था। तो भेड़ ने कहा कि नहीं, मेरा जन्म ही 6 महीने पहले हुआ, पिछले साल मैं था ही नहीं, तो मैं गाली कैसे दिया था? तो ये कहा कि तू गाली नहीं दिया था तो तेरा बाप दिया था, तेरा बाप नहीं तो तेरा दादा दिया था, मैं तुझे खाऊंगा तो खाऊंगा। बात अब यह है,
आप मुसलमान हो तो सताए जाओगे, परेशान किए जाओगे, आपके ऊपर 10 नियम 10 कानून थोपा जाएगा, और यह सिर्फ इसलिए कि आपकी मानसिक प्रताड़ना हो। और आप जब मानसिक रूप से प्रताड़ित रहोगे, आप जो है डेमोरलाइज रहोगे, तो कहीं ना कहीं गोबर भक्त नफरत बाजों को हवा मिलेगी, और इससे जो है मेजोरिटी वोट को पोलराइज करने में भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत आसानी हो जाती है। दोस्तों जरा गौर करिए क्या क्या नहीं हुआ 2014 के बाद। जहां तक बात है मुसलमान औरतों की बात, तो आप सभी जानते हैं हिजाब मामले में क्या हुआ। हिजाब के लिए जो है पहले तो एक एमएलए ने पहले शुरू किया भारतीय जनता पार्टी का, कि जो है लड़कियों को हिजाब पहन के स्कूल में अलाउ नहीं किया जाए। लड़की जब आने लगी तो उसको रोका गया, फिर लड़कियों ने भी जो है आंदोलन किए, और यह बात इतनी बढ़ गई कि कुछ लोग जो है आवारे लोग जाके भगवान प्रभु श्री राम का नाम लेके लड़की छेड़ने का कार्य किए। आप सभी और जग जाहिर है उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुआ। तो दोस्तों आपको यही चीज मैं बार बार बताने की प्रयास कर रहा हूं कि मुसलमान है तो औरतों के साथ ऐसा व्यवहार, उसके बाद खुले में नमाज नहीं पढ़ने देंगे। मुसलमान कहा ठीक है मैं मस्जिद में नमाज पढ़ूंगा, तो मस्जिद में भी मस्जिद को शहीद करो तो इसमें शिवलिंग है फलाना ढेकाना। इसके बाद जो है तीसरी नंबर बात आई कि अजान से बहुत डिस्टरबेंस होता है, और महाराष्ट्र का राज ठाकरे वो इतना बड़ा नफरती है, उसने नफरत की सब सारे हदें पार कर दी और वो कहा कि मैं मस्जिद के सामने जोर से हनुमान चालीसा चलाऊंगा, और हनुमान चालीसा चलाऊंगा तो महाराष्ट्र का मुसलमान ने कहा कि ठीक है तुम आओ जोर से मेरे मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा चलाओ, मैं तुम्हें जो है शरबत पिलाऊंगा। तो इस तरह से मुसलमान जो है वहां हिंदुओं के दिल जीत लिए और हिंदू मुस्लिम एकता का मिसाल कायम किए। नहीं तो राज ठाकरे नामक जो आतंकी है, जो दबंग है, ये तो अब तक पक्का महाराष्ट्र में जो है दंगे करवा चुका होता। इसके पश्चात आइए, अजान हो गया, नमाज हो गया, बुल्ली डील हो गया, सुल्ली डील हो गया, हिजाब हो गया। इसके पश्चात आप देखेंगे तो आए दिन मुसलमानों की लिंचिंग, कहीं किसी मंच पे सूरजपाल अंबू खड़ा होके बोलेगा कि जहां भी मुल्लाओं को देखो ठोक दो। दादरी में जब मुसलमान की लिंचिंग हुई थी मुझे याद है, पुलिस घर में घुसता है तो लाश पड़ी हुई है, लाश के ऊपर पैर रख के वो उधर जाके फ्रिज चेक करता है कि फ्रिज में गाय का मांस है कि नहीं। जिस देश में इंसान की जान की कीमत इतनी हो जाए वह देश कैसा है। आज इन लोगों को बहुत ज्यादा याद आने लगा है कि पशुओं के साथ, उसमें लिखा है कि पशुओं को ठूस ठूस के गाड़ी में भरा जाता है और उनके साथ क्रूर व्यवहार होता है, यह बात अच्छी नहीं है। जिस देश में हंगर इंडेक्स, लोग भूखे मर रहे हो और वहां का प्रधानमंत्री विदेश यात्रा करता हो, तब जो है इंसान के जान की कीमत नहीं हो, लिंचिंग कर दिया जाए इंसान को तो उसके ऊपर कोई ये ना आए, प्रधानमंत्री भारत के निवासियों को कपड़े से पहचानता हो, आप समझ लीजिए कि भारत देश में क्या चल रहा है। तो ये जो बकरा ईद के ऊपर जिस तरह से पाबंदी आया है, इस पाबंदी का मैं रविकांत भारती घोर विरोध करता हूं, और मैं कहूंगा अंधभक्तों को कि अगर ऐसा थोड़ी है कि मुसलमानों को तुम नहीं मनाने दोगे, तुम भी बोलो मैं आज से शाकाहारी, मैं नहीं खाऊंगा नॉनवेज, मैं नहीं मनाऊंगा कुर्बानी, मैं नहीं जो है होली में मांस खाऊंगा। तुम तो कुर्बानी के दिन का वेट करते हो, कोई मुसलमान फ्रेंड इन्वाइट करे तो जाके उसके यहाँ, और वो भी पूछते हो कि कट रहा है तो बुलाना, इस तरह जाके तुम खाने वाले लोग हो। तो पहले तुम अपना त्यागो, अपने चरित्र को वैसा बनाओ, ये नहीं कि होली में तुम काटो और दबा के खाओ, और जब बकरीद आए तो मुसलमानों को कहो कि नहीं ये मुसलमान जो है जानवरों के साथ क्रूरता कर रहे हैं।